मैं आपको वो करवा रहा था डबल रोटेशन के ऊपर। तो अब ये सिक्स क्वेश्चन देखिए, दिख रहा है ना आपको कैमरा, दिख रहा है दोनों चीजें दिख रही हैं। यस सर। अच्छा, तो अब मैं आपको जो है वो डबल रोटेशन, इसमें एक आइसोसेलेस ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल वो होता है जिसमें दो साइड्स इक्वल होती हैं, हैविंग अ बेस 50 mm, एल्टीट्यूड इज 90 mm, इज रेस्टिंग ऑन इट्स एचपी ऑन इट्स बेस। द आइसोसेलेस ट्रायंगल इज इंक्लाइंड एट 40 डिग्री टू एचपी। तो यहां पर अगर मान लीजिए ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, अब ये बोलता है कि इट इज 40 डिग्री टू एचपी, तो ये 40 डिग्री टू एचपी ये हो गया। अगर मुझे एचपी के साथ एंगल बनाना है तो मुझे पहले एचपी के पैरेलल करना पड़ेगा इसको, एचपी के पैरेलल। अब एचपी के पैरेलल किया, फिर एंगल बनाया एचपी के साथ। अब अगर मेरे को वीपी के साथ एंगल बनाना है, तो ये जो हमारा सिस्टम है इसको हम टोटली, इसको जो एचपी के साथ एंगल है इसको हम ऐसे रहने देंगे। अब इस पॉइंट को हम फिक्स कर देंगे और इसको रोटेट करेंगे, इस सिस्टम को ऐसे रोटेट करेंगे। अगर हम इस सिस्टम को ऐसे रोटेट करते हैं तो यहां पर ये एंगल तो एचपी के साथ बनाई हुआ है, साथ में ये वाला जो एंगल है, ये वाला एंगल वीपी के साथ बन जाएगा। यानी कि यहाँ पे दो एंगल हो जाएंगे, एक ये एचपी के साथ एंगल और ये एक वीपी के साथ एंगल बन जाएगा। ठीक है, तो अब आपने क्या करना है, कि सबसे पहले हम बनाएंगे एचपी के साथ एंगल। अब इसको मैं कैसे बना रहा हूं ये आप देखिए। हमने सबसे पहले ना ये आइसोसेलेस ट्रायंगल बनाना है, इसका बेस 50 mm का है। तो 50 mm का आपने ये बेस बना लिया। अभी हम पहले इसको पैरेलल टू, जो है पैरेलल टू एचपी बना रहे हैं, तो इसका एल्टीट्यूड दिया हुआ 90 mm, तो मैंने ये 90 बना लिया। ये ज्यादा हो जाएगा क्योंकि मेरे पास जगह कम है, आप लोगों ने 90 लेना है, मैं थोड़ा छोटा बना रहा हूँ। तो ये आपने ये आइसोसेलेस ट्रायंगल आपने इसका ये देख लेना है कि ये सेंटर कहाँ है। सेंटर पे ये मैंने 2.5 का निशान बनाया था, इसके सेंटर से आपने ये एल्टीट्यूड लेके ये डिस्टेंस आपको दिया हुआ है, ये डिस्टेंस आपको दिया हुआ है। इस ट्रायंगल में एल्टीट्यूड जो होता है वो ये होता है, ये डिस्टेंस आपको 90 दिया हुआ है। अब आपने इसको ज्वाइन कर देना इसके कॉर्नर को। अभी ये क्या है, पैरेलल टू एचपी है। ठीक है, तो ये हमारा ए बी और ये सी। अब यहां पर आपने इन पॉइंट्स को आप ऊपर ले जाएंगे जैसे कि पहले करते आए हैं, इनको हम ऊपर ले जाएंगे। दिया मैंने ए डैश, इसको बी डैश कोमा सी डैश, तो ये इसका टॉप व्यू हो गया, ये इसका फ्रंट व्यू हो गया। अब मुझे जब एचपी के साथ एंगल बनाना है, तो एचपी के साथ जब भी एंगल बनाया जाता है तो हम फ्रंट व्यू को उठाते हैं, फ्रंट व्यू को राइज करते हैं। तो हम क्या करेंगे, हम
कि जो फ्रंट व्यू है, अब हम एक पॉइंट ले लेते हैं यहाँ पर, कोई भी पॉइंट, अब हमें दिया हुआ है कि 40 डिग्री टू एचपी बनाना है, तो आपने 40 डिग्री का एंगल बना लिया, ये 40 डिग्री का एंगल बना लिया, दिख रहा है ना आपको, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? यस सर। इसके बाद 40 डिग्री का एंगल बनाने के बाद आपने इतना ये मेजर करना है, ये डिस्टेंस मेजर करना है, यहाँ पर ये मैंने मार्क कर दिया। मार्क करने के बाद आपने, क्योंकि आप ऐसे उठा रहे हो, तो आपने इसको दे देना है बी डैश कॉमा सी डैश, और ये पॉइंट आ जाएगा ए डैश। और फिर से हम इन पॉइंट्स को नीचे लेके आएंगे, तो आपने ड्राफ्टर का इस्तेमाल करना है, इसको आप पॉइंट्स को नीचे ले आओगे, इधर से हम ये पॉइंट्स को इधर ले आएंगे, ये हमने इधर ले आए, ए को भी ले आए, ठीक है। अब ए ऊपर है तो यहाँ पर ये जो पॉइंट आ जाएगा ये ए आ जाएगा, ये पॉइंट बी बी आ जाएगा, और ये सी, इसको हम ए बी सी ही रहने लेते हैं। अब ये जो है ये आप देख रहे हैं ये एच पी के साथ एंगल पे आ चुका है, इसका जो टॉप व्यू है ये आपको पॉइंट्स को आप जोड़ेंगे तो टॉप व्यू ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाएगा। अब हमने क्या करना है कि हम इस टॉप व्यू को रोटेट करने वाले हैं, इस टॉप व्यू को, क्योंकि ये एचपी के साथ एंगल पे है, एचपी के साथ एंगल पे है, हम इसको रोटेट करने वाले हैं, वीपी के साथ एंगल बनाने वाले हैं। तो उसके लिए क्या करेंगे हम, इसको हम बॉक्स में बंद तो ये है ही है, इसको 1, 2, 3 एंड 4 इनको चार पॉइंट्स हमने यहाँ पे मेंशन कर देना है। इसके बाद क्या करना है आपने कि इसी लाइन को आपने थोड़ा सा आपने और आगे बढ़ा देना है, यहाँ पर एक पॉइंट मार्क कर लीजिए। अब इसके बाद आपको जितना एंगल दिया हुआ है एचपी के साथ, वो एंगल आपने यहाँ पर ड्रॉ कर लेना, ये एंगल आपने ड्रॉ कर लिया, ये मान लो आपको कितना एंगल दिया हुआ है 60 डिग्री, ये 60 डिग्री मार्क कर लिया। इसके बाद आपने क्या करना है कि इस ये जो बॉक्स है ये यहाँ पे ड्रॉ करना है। अब ये बॉक्स ड्रॉ करने के लिए हम ये परपेंडिकुलरली हमें चाहिए, ये प्रॉपरली यहाँ पर ये ड्रॉ होना चाहिए, तो आपने ये अगर पॉइंट बी है, इसको हम ऐसे रोटेट कर रहे हैं तो यहाँ पर ले लेते हैं पॉइंट को, तो ये बी है और ये सी है, तो यहाँ पर ये मार्क कर दिया, ये सी पॉइंट, आपके पास ये पॉइंट आ गया, ठीक है। तो आपने इसको ऐसे कर दिया, अब इसकी जो हाइट है वो पॉइंट बी से ये जो हाइट है 1 और 2 की, ये हाइट आपने इतना ही ले लेना है, आपने यहाँ पे ये आपने ले लिया हाइट। अब आपने इस बॉक्स को मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर लिया है, और इसका जो आप देखेंगे कि ये सेंटर पे भी लाइन है, ये सेंटर पे 2.5 की लाइन है यहाँ पर ये वाली, तो आपने ध्यान से पॉइंट्स को जैसे जैसे, अब यहाँ पर बी था तो यहाँ पर 2 है, यहाँ पे 1 है, बी के सामने 3 है और 3 के सामने 4 है, तो सर आपका कैमरा कोई बात नहीं, ये एक्चुअली इसकी बैटरी खत्म हो गई है,
ठीक है, तो आपने इन पॉइंट्स को ज्वाइन कर देना। ये मैंने पॉइंट्स को ज्वाइन कर दिया। अब आप ये देख रहे हैं कि मैंने इसके जो ये जो इसका डायगोनल है इसको 60 डिग्री वीपी के 60 डिग्री बना दिया। आप ये चीज इमेजिन कर सकते हैं कि ये लाइन भी 60 डिग्री हो क्योंकि ये दोनों पैरेलल है। देख रहे हैं आप ये वाली लाइन जो है ये भी 60 डिग्री होगी। यस सर, यस सर। तो इस तरीके से हम जो है प्लेन को 60 डिग्री रोटेट करते हैं। ठीक है, अब एंगल आपका ये भी हो सकता है, ये भी दे सकता है आपको ये एंगल। तो आप को जो है वो कितना एंगल बता रहे इसके साथ। तो जैसे यहां पर क्वेश्चन में दिया हुआ है, क्वेश्चन में बोल रहा है कि द टॉप व्यू इज इंक्लाइंड एट 60 डिग्री। तो टॉप व्यू इज 60 डिग्री टू वीपी, जो टॉप व्यू है 60 डिग्री के आपने उसको रोटेट कर दिया है। तो ये वीपी के 60 डिग्री रोटेट हो गया। अब आपने क्या करना है, अब ये सिर्फ टॉप व्यू बने, अब आपने इसके पॉइंट्स को आपने ऊपर ले जाना। सर एक बार ना जब आपने 60 डिग्री से स्ट्रेट लाइन खींची ना बी से थर्ड पॉइंट के लिए, सर वहां से एक बार थोड़ा सा बता दो कि कितने एंगल पे वाला बी टू थ्री 60 डिग्री में। बी टू थ्री जो है ना, ये जो डिस्टेंस है बी टू थ्री, यस ये डिस्टेंस ये है, ये बी से लेके थ्री तक ये वाला डिस्टेंस, ये डिस्टेंस है, ये एज इट इज उठाना है। ये यहाँ पर अपने खुला, इसको यहाँ पे रखा और ये मार्क कर दिया। ठीक है, ओके सर। सर किसी भी एंगल पे सर, इस पे फिर यहाँ पे आपने 60 डिग्री लिया है, 60 डिग्री आपने लिया है, ये एक लाइन 60 डिग्री लिया। ठीक है, अब जब तुमने ये 60 डिग्री लिया ना, ये 60 डिग्री, तो जब ये 60 डिग्री लिया उसके बाद आपने यहाँ पर एक परपेंडिकुलर लाइन बनाई, ये 90 डिग्री होना चाहिए। ये बॉक्स का ये जो 90 डिग्री है ये नहीं हिलना चाहिए, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, समझ रहे हो क्या कह रहा हूँ? यस सर, बाकी लाइंस उसी के उसी एंगल पे रहनी चाहिए पैरेलल पे, बाकी सब 90 डिग्री होना चाहिए। अब आपने ये पॉइंट्स को ऊपर उठाया, ये पॉइंट को मैंने ऊपर उठाया, तो इसको आप इसको भी ये आपकी जो ये एक्स वाई लाइन है इसको भी आप आगे कर सकते हो, ये आपने आगे कर दी। और ये पॉइंट ए है, इसके सामने ही ए पॉइंट रहेगा। यहां पर अगर बी है तो ये बी का पॉइंट है, तो यहां पर ये बी बी डैश, ये अगर ये सी है बी के सामने सी है और ये ए है, तो फिर यहाँ पर ये बी बी के सामने बी डैश, सी सी के सामने यहाँ पर, इसके सामने यहाँ पर ये सी डैश। अब ए जो है ए यहाँ पर है, ए यहाँ पर, इसके सामने ए के सामने ये पॉइंट ए आ गया। अब आपने स्केल लेना है, स्केल लेके आपने इन दोनों को ज्वाइन कर देना। बी और ए और सी को ज्वाइन कर दिया आपने, और ये आप देख रहे हैं ये इस तरीके की
फिगर बनेगी, समझ में आ रहा है? यस सर। तो ये जो ये प्लेन है ये एक ट्रायंगुलर प्लेन है, तो ये तो जो है ये आपको इजीली समझ में आ जाएगा, मतलब समझ में तो सारे ही आ जाएंगे, लेकिन ये सबसे इजी है। आप हेक्सागनल प्लेन को भी ऐसे ही रोटेट कर सकते हैं, पेंटागनल प्लेन हो, कोई भी प्लेन हो, उसको आप तीन लेवल पे रोटेशन कर सकते हैं। तो याद आपने ये रखना है कि सबसे पहले आपने एचपी के साथ एंगल बनाना है, उसके बाद वीपी के साथ एंगल बनाना है। ये जितने भी क्वेश्चन है, जैसे कि ये क्वेश्चन है वीपी के साथ एंगल है, तो अगर वीपी के साथ एंगल बन रखा है तो आपने पहले एचपी वाला एंगल बनाना है, ठीक है? पहले आप एचपी वाला एंगल बनाइए, और एचपी के साथ एंगल बनाने के लिए अब क्योंकि यहाँ पे 90 डिग्री ही दे रखा है, तो इसके अंदर तो जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि ये ऑलरेडी परपेंडिकुलर होता है एचपी के। समझ आ रहा है क्या कह रहा हूं? ये मैंने ये जो आपका सेमी सर्कल बनाया है, ये ऑलरेडी एचपी के परपेंडिकुलर है, एचपी के 90 डिग्री है कि नहीं? ये एचपी के 90 डिग्री है, और यहां पर वीपी के साथ एंगल है, और एचपी के साथ 90 डिग्री है, ठीक है? तो ये चीजें आपको एकदम से नहीं आएंगी, आप तो पहले इसको बनाओ, पहले समझ के बनाइए। जैसे मैंने समझाया आपको, आप वैसे ही वो सिंगल सिंगल बनाइए, जैसे जैसे सिंगल रोटेशन बताया, उसके बाद ये वाला क्वेश्चन डबल रोटेशन पे बनाइए, फिर आपको थोड़ा दिमाग में क्लियर हो जाएगा कि डबल रोटेशन क्या चीज है। उसके बाद आप डबल रोटेशन के और क्वेश्चन भी ट्राई कर सकते हैं। और उसके बाद जो लास्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो एक पेंटागनल प्लेन के ऊपर है, अब मैं वो बना रहा हूँ, पेंटागनल प्लेन। ये आपको समझ में आ गया ना? ये आ रहा है समझ में? सपने आ गया था समझ में? यस सर। तो अभी मैं आपको वो बनी हुई शीट भी दिखाता हूँ जिसमें सारे आंसर बने हुए हैं, वो आपको मिल जाएगी। हेलो हनी। हाँ हनी, मैं थोड़ी देर में करता हूँ, मैं ना अभी क्लास ले रहा हूँ, थोड़ी देर में करता हूँ, ठीक है? हाँ थोड़ी देर में करता हूँ, थोड़ी देर में क्लास ले रहा हूँ, क्लास ले रहा हूँ। तो अब जो पेंटागनल प्लेन का क्वेश्चन है उसमें क्या है कि ए पेंटागनल प्लेन ऑफ 60 mm साइड दी हुई है 60 mm इज रेस्टिंग ऑन इट्स कॉर्नर, द एज अपोजिट टू दैट कॉर्नर इज परपेंडिकुलर टू एचपी, ठीक है? एंड द पेंटागनल प्लेन इज इंक्लाइंड 40 डिग्री टू वीपी, द पेंटागनल प्लेन इज इंक्लाइंड 40 डिग्री टू वीपी। तो ये बोल रहा है कि पेंटागनल का जो प्लेन है वो कॉर्नर पे रेस्ट कर रहा है और इंक्लाइंड कर रहा है 40 डिग्री टू वीपी, ठीक है? तो अब ये अगर वीपी के साथ एंगल है तो मुझे पहले वीपी के पैरेलल बनाना पड़ेगा इसको, ठीक है? अब वीपी के पैरेलल बनाना है और जो है कॉर्नर पे इसको रखना है, क्योंकि रेस्टिंग ऑन इट कॉर्नर परपेंडिकुलर टू एचपी। द एज अपोजिट टू दैट कॉर्नर इज परपेंडिकुलर टू एचपी, ठीक है?
अच्छा ये ऐसे है, तो आप इसमें कैसे बनेगा मैं आपको बताता हूँ। आपने पेंटागनल, आप पेंटागन कैसे बनता है, उसको बनाने के लिए हमें डी चाहिए होगी, डी से बनेगा ये। तो यहां पर आपने इसकी साइड दे रखी है 60 mm, तो आपने क्या करना है कि पहले एक एक साइड बना लेनी है, क्योंकि हम इसको ना ऐसे खड़ा करने वाले हैं, ऐसे खड़ा करने वाले हैं, ऐसे पेंटागनल को, पेंटागन को हम जो है ऐसे खड़ा करने वाले हैं। तो ये जो साइड रहेगी इसकी वर्टिकल, ये वर्टिकल रहेगी, तो हम पहले ये वाली साइड बनाने वाले हैं पेंटागन की। तो इसकी जो साइड दे रखी है वो 60 mm है, वो बहुत बड़ी है। मैं इसको हाफ ले रहा हूँ, 30 mm ले रहा हूँ, 30 mm की बना रहा हूँ, आपने 60 की बनानी है। अब आपने ये बना लिया, इसके बाद आपने इस पर ये रखना है और ये एक एंगल लेना है 108 degree का, ये 108 इधर लेना है और 108 जो है इधर भी लेना है। ये पहले आप इधर ही लीजिए, इसको हम पहले आप, ये हमने 108 degree का एंगल बनाया। इसके बाद इसको 30 को आपने मार्क कर लिया, देख रहे हो कि नहीं देख रहे, ये मैं पेंटागन बनाना सिखा रहा हूं, दिख रहा है, दिख रहा है कि नहीं? सर आपने जो एंगल बताया उसके बाद बताना, थोड़ा ब्लर हो गया था। ये ना एंगल बनाया है 108 degree का, ठीक है, 108 degree का यहाँ पर मैंने एंगल बनाया, और ये जो वर्टिकल लाइन है इसकी जो लेंथ है वो 60 दे रखी है, ये 60 दे रखी है, ठीक है। एंगल बना लेने के बाद आपने यहाँ पर कंपास रख के, या फिर इसके इसको भी आपने 60 मार्क करना है। ये मैंने 30 लिया है, ये मैंने 30 लिया है, आपने 60 लेना है। तो यहाँ पर भी जो इसकी एज है उतना आपने मार्क करना है, यानी कि ये जो लेंथ है, ये जो लेंथ है ये जो लेंथ है ये भी 30 है, ये भी 30 लिया है मैंने। इसके बाद आपने यहां पर इसको रखना है और 108 डिग्री का मार्किंग करके आपने इसको ऐसे फिर से यहां पर 30 mm जो आपकी एज है, जिस जो लेंथ है आपकी, जो एज की लेंथ है, उतने का आपने यहाँ पे मार्क कर देना है। आ रहा है समझ में कि नहीं? हाँ जी सर। इसके बाद आपने पेंटागन बनाने के लिए आपने यहां पर कंपास रखनी है,
यहाँ पर रखी है, यहाँ पर ठीक है, ये इतना खोलना है आपने जितनी इसकी साइड है, उस साइड खोलिए और यहाँ पे मार्क करिए, यहाँ पे रखिए और यहाँ पे मार्क करिए, ये दो जगह मार्क हो जाएगा। इसके बाद आपने क्या करना है कि इसको आपने ज्वाइन कर देना और इधर से इसको ज्वाइन कर देना। तो ये आप देख रहे हैं, ये वाला जो एंगल है ये ऑटोमेटिकली 108 डिग्री, ये ऑटोमेटिकली 108 डिग्री बन जाएगा। आ रहा समझ में कि नहीं? अब क्योंकि मैंने आपको बताया था कि ये पेंटागन हमने वर्टिकल रखा हुआ है, तो ये हमारा फ्रंट व्यू है, ये क्या है फ्रंट व्यू, तो फ्रंट व्यू है तो इसको जो है हम यहाँ पे एक्स वाई लाइन बनाएंगे, ये एक्स वाई लाइन है। अब इसका टॉप व्यू कैसे बनेगा, इसको हम पॉइंट्स को नीचे ले लेंगे, ठीक है। तो अगर मैं इस पॉइंट को यहाँ पर देता हूँ 1 2 3 4 5, तो यहाँ पर ये जो पॉइंट आएंगे ये 3-5-4-1-2-, ये हमारा टॉप व्यू हो जाएगा और ये फ्रंट व्यू। आ रहा है आपको समझ में? इस समय 3-5 फ्रंट व्यू होगा, ये जो है ये हमारा टॉप व्यू है, ये फ्रंट व्यू है, ठीक है। ये टॉप व्यू क्यों है, क्योंकि हमारा ये प्लेन ऐसे पड़ा हुआ, ऐसे ऐसे, ठीक है, आ गया समझ में। अब हम क्या करने वाले हैं, हम इसको वीपी के साथ एंगल पे डालने वाले हैं। अगर हमने वीपी के साथ इसको एंगल पे डालना है तो हमें टॉप व्यू को रोटेट करना पड़ेगा, ठीक है। वीपी के साथ अगर एंगल पे डालना है तो हमें टॉप व्यू को रोटेट करना पड़ेगा, और अगर एचपी के साथ करना हो तो फिर फ्रंट व्यू। अगर अगर मुझे एचपी के साथ एंगल डालना है तो पहले तो मुझे इसको एचपी के पैरेलल करना पड़ेगा, मतलब कि ये नीचे बनेगा और ये ऊपर, ठीक है सर, ठीक है ना। ये एक्स वाई लाइन अगर मैं यहाँ बना दूं, यहाँ पे बना दूं, तो ये एचपी के पैरेलल हो जाएगा। ओके सर, अगर मैं एक्स वाई लाइन नीचे बना दूंगा तो ये एचपी के परपेंडिकुलर हो जाएगा। आ रहा समझ में? हाँ जी सर। अब आपने इसको रोटेट करना, रोटेट, तो रोटेशन के अंदर हम क्या करेंगे, टॉप व्यू को रोटेट करना, तो कितना भी एंगल आपको दिया हो आपने ये लाइन ले ली, ये आपने एक पॉइंट ले लिया, जितना एंगल आपको दिया हुआ वो आपने ले लिया, मान लो कोई भी एंगल आपको दिया हुआ 40 डिग्री, ये 40 डिग्री आपने इसको लिया। इसके बाद ये जो पॉइंट है ये 1-2 है, इसको मार्क कर लिया। अब आपने ये डिस्टेंस ले लीजिए, ये एज इट इज रोटेट करना है, ये यहाँ पर ले लिया और ये जो डिस्टेंस है ये 1-, ये यहाँ पर ये डिस्टेंस आ जाएगा 3-5-, और ये 4-। अब हम इसको डार्क कर लेंगे, ठीक है, ये डार्क हो गया, ये हमारा टॉप व्यू। थोड़ा कैमरा नीचे करना, अब हम क्या कर रहे हैं, इन पॉइंट्स को फिर से हम ऊपर लेके जा रहे हैं,
यहाँ पर आप ये देखेंगे कि ये 0.123 और ये जो 4 है ये सामने, ये 4 के सामने 4, ठीक है, 3 के सामने 3, 5 के सामने 5, यहाँ पर 5 है, ये 5 इधर से आ रहा है 5, और 1 यहाँ पर है 1, और 2 के सामने 2। अब हमने स्केल लेना है और इनको कर देना ज्वाइन। अब ये ऐसा क्यों है, क्योंकि जब भी वीपी के साथ एंगल होगा तो इसकी जो हमारा प्लेन है इसकी हाइट नहीं बदलेगी, ये उसी लेवल पे रहेगा। अगर आप इमेजिन कर सको तो वीपी के साथ जब हम एंगल बनाते हैं तो कभी भी उसकी हाइट जो है किसी भी प्लेन की ये वो सेम रहती है ना, हाइट सेम, ये प्लेन सेम रहेगा, प्लेन सेम रहेगा, समझ में आ रहा है। इसे रोटेट करूं इसकी लेंथ छोटी होती जाएगी, जैसे जैसे मैं इसको आगे लेते जाऊंगा ये लेंथ छोटी होती जाएगी, लेकिन ये प्लेन सेम रहेगा। आ रहा समझ में आपको? यस सर। तो ये सारे क्वेश्चन आपको इसके अंदर भी मिलेंगे। तो ड्राइंग का असाइनमेंट है, आप इसमें देखो यहाँ पर ये देखिए 1 2, ये तीसरा क्वेश्चन, ये आपने आधा ही बनाना है, आधा ही बनाना है ये, ठीक है। 1 2 3 4, ये 4 क्वेश्चन, और ये है 5वां क्वेश्चन। ये जो है इन्होंने उल्टी साइड में बनाया हुआ है, तो आप ऐसे भी बना सकते हो, मेरे जैसा भी बना सकते हो, ठीक है। ये एक ही है क्वेश्चन, सेम है, ठीक है। प्लेन जो है इसमें 40 डिग्री है। अब ये वाली एज जो है परपेंडिकुलर है, और ये वाला जो कॉर्नर, ये कॉर्नर पे ही रेस्ट कर रहा है, तो आप ऐसे भी बना सकते हो, मेरी तरह भी बना सकते हो। आपने इस शीट में ये वाला क्वेश्चन छोड़ देना है, ये वाला, और ट्रिपल रोटेशन में, ट्रिपल में ये वाला नहीं करना, ट्रिपल रोटेशन में आइसोसेलेस वाला क्वेश्चन है वो इसने आगे किया होगा। वो इसमें नहीं कर रखा, आप मेरे से देख के बना लेना उसको, आइसोसेलेस ट्रायंगल वाला क्वेश्चन इसमें नहीं है। ठीक है, ये बन जाएगा। सर कब तक देना है? नहीं, ये अभी नहीं देना, ये सिंगल रोटेशन बताई थी, वो सिंगल रोटेशन में बना देना इसको। सर जैसे आपने स्टार्टिंग में जो जो सिंगल में बताए थे वो सिंगल में ही बना देना, सिंगल में ही बनाने हैं, सिंगल में बनाने हैं, डबल रोटेशन नहीं है, अभी नहीं है। जब भी डबल रोटेशन होगा पहले आपको ना एचपी के पैरेलल करना है और एचपी वाला एंगल बनाना पहले, फिर वीपी वाला एंगल। तो आप ये बनाओगे ना तो आपको ये समझ में आ जाएगा, क्योंकि ऐसे समझाने से ज्यादा आप जब खुद करोगे तो समझ में आ जाएगा, क्योंकि ये प्रैक्टिकल चीज है। आप जैसे जैसे बनाओगे, आप इसको सोचोगे तो आपको ज्यादा क्लियरिटी आती जाएगी आपको, ठीक है। तो ये वाला असाइनमेंट आपने बनाना है, इसको कब देना है ये मैं बता दूंगा आपको। सर सर इसमें से कौन कौन से नहीं करने क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर सिर्फ एक क्वेश्चन नहीं करना, उसकी जगह दूसरा क्वेश्चन करना है,
ये वाला क्वेश्चन नहीं करना। ठीक है सर, ये वाला नहीं करना। इसकी जगह ना ये आइसोसेलेस वाला क्वेश्चन है, वो मैंने कराया है, इसमें किया नहीं हुआ, वो करना है। ठीक है। और अभी मैं आपकी अटेंडेंस ले रहा हूँ, क्योंकि अभी ये क्लास आपकी कितने बजे तक है? 2 बजे है ना, 2:30 बजे तक है। तो फिर बाकी जो है ना वो हम जो एमपी का है वो कल करेंगे। ईडी का एग्जाम भी ऑनलाइन होता है या ऑफलाइन? ऑनलाइन ही होगा, आपको लाइव बनाना होगा पेपर ना, लाइव बनाना होगा शीट। Okay. आपको उधर शीट लेके बैठना है, मैं पेपर दूंगा आपको। एक मिनट, आपको हैं शीट दिखाएंगे वैसे कैसे बना रहे हैं? भाई फोटो फोटो खींच के ग्रुप में डाल देंगे, जैसे एग्जाम हुआ है ना आपका। कैमरे में हमने अपने आप को ही दिखाना है बस। हाँ और क्या दिखाऊं? देखो भाई, चीटिंग करोगे ना तो उसमें तुम्हारा नुकसान है, मेरा नुकसान नहीं है। मुझे पता है चीटिंग हो सकती है, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं है। कीरत सिंह का ड्राइंग में चीटिंग कैसे कर सकता है सर? मैं वही कह रहा हूँ ना, आप बनाओगे खुद ही बनाओगे पड़ेगा ना। कीरत सिंह प्रेजेंट सर। अभिषेक अग्रवाल सर, अभिषेक अग्रवाल का फोन आया अभी सर, उसकी आ गया सर, वो मैसेज करा सर, स्टार्ट में लिखा है अभिषेक अग्रवाल। बलविंदर सिंह प्रेजेंट सर। कोविद सिंह सिमरप्रीत प्रेजेंट सर। सिमरप्रीत मोनाली प्रेजेंट सर। अभिजीत सिंह प्रेजेंट सर। अभिजीत प्रेजेंट। नवदीप सिंह सर, उसमें नवदीप प्रेजेंट, उसमें चैट में लिखा है। अमरप्रीत सिंह, अंगद सिंह प्रेजेंट सर। अंगद सर। तेजपाल प्रेजेंट सर। अमर ने भी प्रेजेंट बोला, वो भी प्रेजेंट है। तेजपाल प्रेजेंट सर। तेजपाल सिंह प्रेजेंट। अंकुर शर्मा। अर्पित कुमार यस सर। अंकुर शर्मा सर। 26 को ही प्रेजेंट था। हर्षनूर सिंह प्रेजेंट सर। प्रेजेंट सर। प्रेजेंट सर। सर लीव कर सकते हैं अब? हर्षप्रीत। हाँ लीव कर दो।
हर्षप्रीत प्रेजेंट प्रेजेंट गगनप्रीत हरजस कौर प्रेजेंट सर सर सिमरन सिंह प्रेजेंट सर इंद्रजीत सिंह प्रेजेंट सर शिवम सिंह प्रेजेंट सर मेहर प्रेजेंट सर ईशदेव प्रेजेंट सर जानिशा प्रेजेंट सर जसजोत सिंह प्रेजेंट सर जसमीत सिंह प्रेजेंट सर जसमीत सिंह टू सर प्रेजेंट उसने चैट में लिख दिया कीर्ति गुप्ता प्रेजेंट सर प्रेजेंट सर मनमीत कौर प्रेजेंट सर मनमीत कौर अरोड़ा सर उसका नेटवर्क इश्यू है मनमीत सिंह मयंक प्रेजेंट सर नवनीत कौर सर वो प्रेजेंट है उसका नेटवर्क इशू है रुबलीन कौर प्रेजेंट सर प्रथम प्रेजेंट सर प्रियल जैन प्रेजेंट सर ऋषभ सिंह प्रेजेंट सर सहज सर वो प्रेजेंट है उसका शायद लीव हो गया सूरज जिया सर वो ना प्रेजेंट उसका लीव हो गया अभी विनायक तिवारी प्रेजेंट सर परवीन एक्सक्यूज मी सर हाँ जी बोलो सर मनमीत सिंह का भी लीव हो गया था उसका भी मैसेज आया मेरे को मनमीत सिंह मारवा